हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में सब सब्जेक्ट रहेगा हमारा इतिहास। ठीक है बच्चों, आज की तारीख रहेगी 22 सितंबर 2020 और वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि हम पिछली वर्कशीट से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं आगे वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है, स्टार्ट करते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा कि भाई 1848 के बाद यूरोप में जो है राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का जो जनतंत्र था, राष्ट्रवाद के जो पीछे इतनी जो पब्लिक थी और जो क्रांति हो रही थी, अब उसमें अलगाव आने लगा, मतलब कम होने लगा वो। ठीक, आगे देखते हैं। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया कि भाई राज्य में सत्ता अगर बढ़ानी है तो रूढ़िवादी प्रथा को इन्होंने क्या किया, फोकस किया इसके ऊपर कि भाई हमें रूढ़िवादी प्रथा को ही लेकर के चलना है, कि भाई जो पिछले ज़माने से जो चली आ रही है प्रथा उसी को लेकर के चलना है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, जर्मन के लोगों ने जो जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाके जो थे जिनके ऊपर जर्मन का कब्जा था उनको छोड़ करके इन्होंने एक नया राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। ठीक है, इन्होंने अलग एक राज्य बनाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने इनको दबा दिया गया। किसके द्वारा? राजशाही के द्वारा और फौजों के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है, जर्मन के बाद प्रशा ने संभाला किसका नेतृत्व? राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है वर्कशीट में। जर्मनी का एकीकरण, ठीक, कि भाई जर्मनी का एकीकरण किस तरह से हुआ, ये हुआ 1866 से 1871 तक। ठीक, देखते हैं क्या लिखा है। एकीकरण परसा के नेतृत्व में हुआ, कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? परसा के नेतृत्व में हुआ। ठीक, परसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। जो परसा के जो मुख्यमंत्री थे ऑटोमन, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क, उनकी इसमें मुख्य भूमिका रही थी जर्मनी के एकीकरण में। ठीक, आगे देखते हैं। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में परसा की जीत हुई जिसके कारण एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में पर्शिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें यूरोप में पर्शिया को एक महाशक्ति के रूप में दिखाया गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। ठीक है, जैसे इनका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इन्होंने नई बैंकिंग व्यवस्था लेकर के आ गए और न्याय व्यवस्था को लेकर के आ गए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इटली का एकीकरण, यहाँ पर हमें इटली के बारे में दिया है। 1859 से 1870 के बीच में इटली का एकीकरण हुआ। देखते हैं क्या था इटली के एकीकरण में। तो बच्चों इसमें बताया इटली 7 राज्यों से बटा हुआ था, 7 राज्यों में बटा हुआ था इटली। 1830 के दशक में जूसेफ मेसिनी ने इटली का एकीकरण के लिए कार्यक्रम चलाया था, ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आगे देखते हैं क्या लिखा। 1830 से 1848 की क्रांति में विद्रोह असफल हो गया। जो ये विद्रोह चलाया गया था जूसेफ मेसिनी द्वारा, ये क्या हो गया? असफल हो गया आगे चल करके। आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीति संबंधी कूटनीति संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। किसने किया? फ्रांस से। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट ने, इन्होंने एक ऐसी नीति बनाई जिसके द्वारा ऑस्ट्रिया को क्या किया? हरा दिया इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषीकृत
मतलब घोषित किया गया। तो इटली के जो राजा बने 1861 में एकीकरण के बाद इमैनुअल द्वितीय को यहाँ का राजा बना दिया गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है वर्कशीट में। अब हमें दो व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो मैं यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है बच्चों, काउंट कैमिलो द कावूर। इसमें बताया है कि सर्निया पिटमोंट का प्रमुख मंत्री था ये। ठीक है, इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का इसे उन्होंने नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही राजतंत्र में विश्वास रखता था। आगे देखते हैं क्या लिखा। फ्रांस के साथ ही की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, ठीक, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया गया और इटली का एकीकरण संभव हुआ। तो इसमें कौन से व्यक्ति ज़्यादा क्या फेमस रहे, काउंट कैमिलो द कावूर। ठीक है, इन्होंने इटली के एकीकरण में अपनी मेन भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं क्या लिखा है, जोसेफ गैरिबाल्डी। अब इनके बारे में देख रहे थे क्या लिखा है। यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। इन्होंने इटली का जो सेना थी उसका नेतृत्व किया। आगे देखते हैं क्या लिखा। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियो के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन इन्होंने हासिल कर लिया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हुआ। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि भाई इटली के एकीकरण में इन दो व्यक्तियों की भूमिका ज़्यादा मेन रही। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। अब हम इस वर्कशीट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे।